हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब जहाँ पर सेफ होंगे और मेरे वीडियो का इंतजार करेंगे, कर रहे थे ना। सो आज मैं आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। आप सभी का इंतजार हुआ खत्म एंड फाइनली BTS ने अपना रियल ID इंस्टाग्राम पर बना लिया है। एंड अगर आपने इंस्टाग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो मुझे लगता है कि अभी तक आप सभी ने इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लिया होगा। एंड जिन्होंने नहीं किया है तो BTS के लिए डेफिनेटली इंस्टाग्राम ID बनाएंगे। ओके, सो यहाँ पर 7 मेंबर यानी कि BTS के 7 मेंबर ने अपना न्यू अकाउंट ओपन किया है, या बोल सकते हैं कि अभी अभी जस्ट बनाया है इसी दिन। एंड अगर आपको नहीं पता उनका अकाउंट कौन कौन सा है तो मैं सिंपल ट्रिक आपसे शेयर करूं कि आप BTS को कैसे फॉलो करना है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप मैंने अपने इंस्टाग्राम के फॉलोइंग लिस्ट में BTS के सभी मेंबर को फॉलो कर रखा है। आप सिंपली, मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसमें जाकर मेरे फॉलोइंग लिस्ट में जाकर वहां से आप BTS को फॉलो कर सकते हैं। इस BTS का रियल ID था ही नहीं, इसलिए मैंने BTS के किसी भी मेंबर को फॉलो नहीं किया था, क्योंकि वो ऑब्वियस बात है आर्मी की ID थी। बट अभी BTS ने खुद की ID बना ली है फाइनली। सो मेरे जो फॉलोइंग लिस्ट में मैंने BTS के सभी मेंबर को फॉलो कर रखा है। सिंपली से मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर फिर उसके बाद मेरे फॉलोइंग लिस्ट में जाकर BTS के सभी मेंबर को फॉलो कर सकते हैं एंड वहां पर आपको रियल ID मिल जाएगी। ओके, सो ये ट्रिक है। डेफिनेटली मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां क्लिक करके जाके BTS को फॉलो कर लेना। ओके, सभी सातों अकाउंट में ब्लू टिक दिया गया हुआ है, सो आपको इजी रहेगा फाइंड करने में। एंड मैं एक इंटरेस्टिंग थिंग इसमें ये शेयर करना चाहती हूँ कि BTS का इतना ज़्यादा अकाउंट बन गया है वर्ल्ड वाइड कि उनको अपने रियल नेम के लिए कोई अकाउंट मिला ही नहीं। मतलब जितने भी 7 BTS मेंबर, उन्होंने अपने रियल नाम से अकाउंट नहीं बनाया है। बट उसमें दो ऑप्शन होता है, यानी कि एक अकाउंट बनाने का जो अगर किसी ने यूज़ कर लिया है तो आप उसे नहीं यूज़ कर सकते। एंड आपको तो पता ही आर्मी कितना ज़्यादा क्रेजी लेवल पर BTS को पसंद करती है कि उन सारे लोगों ने BTS का रियल नेम से ही उनके ID बना रखे हैं। दैट्स वाई कि BTS को खुद ही अपने नाम के लिए उनको ID नहीं मिली है। दैट्स वाई कि उन्होंने बहुत बहुत डिफरेंट नेम से अपने ID बनाए हैं। बट अगर आप नेम से सर्च करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं तो उनके ID आपको इजीली मिल जाएंगे। सो आई होप कि अब आपको ID फाइंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड आई एम 100% श्योर कि बाकी आर्मी को उनके ID के बारे में ऑलरेडी पता चल गया होगा। एंड जिनको नहीं पता है वो अब जाकर उनको फॉलो कर लेगी। एंड आप सभी के बहुत सारे टाइम से क्वेश्चन आ रहे थे कि दीदू, जो BTS के रियल ID इंस्टाग्राम पे कौन कौन से हैं। सो मैंने ऑलरेडी बताया था कि BTS कोई भी इंस्टाग्राम ID यूज़ नहीं करते, जितने भी ID हैं वो आर्मी ने बना रखी है। बट फाइनली आज BTS ने अपना रियल ID बना दिया है एंड उस पर ऑब्वियस सी बात है मिलियंस ऑफ लोगों ने फॉलो कर दिया है। तो अगर आपने नहीं किया है तो आप भी जल्दी से जाकर फॉलो कर लेना। ओके, एंड सेलिब्रेशन तो बनता है। चलो मैं मिलती हूँ आपसे किसी अनदर अपडेट में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।